साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है, और उसी के तहत मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमारी देसी गायों में अगर आपको अच्छे दूध देने वाली गाय की तलाश है तो साहब मुझे तो ऐसी गाय चाहिए जो बहुत ही अच्छा दूध देने वाली हो और रेट वाइज भी कम हो। यानी दोनों बातें मैटर करती है, रेट कम होना चाहिए, अच्छे दूध वाली होनी चाहिए। उसी गाय के बारे में आज मैं डिटेल से जानकारी, एक छुपी हुई जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, अभी जो चर्चा में चल रही है कुछ नस्लें, उन नस्लों में अगर हम देखें तो हमारे सामने कुछ नस्लें आ रही है जिनमें आप फोटो देख पा रहे हैं, साहिवाल नस्ल है, आप फोटो देख पा रहे हैं राठी नस्ल है, आप फोटो देख पा रहे हैं थारपारकर है। थारपारकर और साहिवाल का क्रॉस आपको पता है राठी होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं गिर, अभी प्रचलन में ये चार है। इसके अलावा भी बहुत सारी नस्लें हैं, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी देसी नस्लें हैं जो हर एरिया में पाई जाती है और उनका दूध सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, पूजा की जाती है इन सभी देसी गायों की। वो इसलिए क्योंकि हम धार्मिक रूप से इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं कि सर हमें ज़्यादा दूध वाली भी होनी चाहिए, नंबर वन, और नंबर टू हमारी धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो उस स्थिति में हमें कौन सी गाय की तरफ जाना चाहिए जो कि दूध ज़्यादा देती हो। देखिए, कंप्लीट जानकारी देने से पहले एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि हमने डेयरी फार्मिंग आपको 101% सिखाने का जिम्मा लिया है और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है जो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। इस एक महीने की ट्रेनिंग में आप इतना सब कुछ डेयरी के बारे में सीखेंगे कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डेयरी कर रहे हैं तो भी बेस्ट, अगर आप करना सोच रहे हैं तो भी बेस्ट, हर स्थिति को हमने उसमें लिया है ताकि कोई भी डेयरी फार्मर गलती ना करे। ये ट्रेनिंग बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री है, मात्र MB चार्ज ने वो ऐप वालों का लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग। आप रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के इसकी डिटेल ले सकते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, चारों नस्लें हमने ली है मेनली, और इन चारों नस्लों में अगर हम देखें, देखिए एक एक करके यहां ऊपर से शुरू कर देता हूं। राठी से, राठी नस्ल की अगर हम बात करें तो इसका औसत दूध कितना आता है पूरे ब्यात में, लगभग ये कितना दूध देती है, तो लगभग ये 1500 लीटर के आसपास दूध दे देती है। 1200 से लेकर के इसका अगर हम एक क्राइटेरिया निर्धारित करें, मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ, तो ये 1200 से लेकर के और 1500 लीटर तक दूध ये पूरे ब्यात में दे देती है राठी नस्ल, जो कि साहिवाल और इसका क्रॉस है। क्रॉस होने के बावजूद इसका दूध जो है वो इससे ज़्यादा, देखो किसी भी गाय का दूध एक पर्टिकुलर गाय पर डिपेंड करता है, ये भी आप देख लेना। ये औसत निकाला जाता है पूरी नस्ल को लेकर के, लेकिन इस नस्ल की टॉप गायें भी तो हो सकती हैं, तो हो सकता है टॉप गाय का और भी अच्छा हो, मैं औसत लिख रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साहिवाल की, तो साहिवाल का जो औसत है ना वो भाई काफ़ी वेरिएशन लिए हुए हैं। साहिवाल की बहुत सारी गायें हैं जो 1500-2000 लीटर पे ही रह जाती है, तो कई है जो 3200 लीटर तक दूध पूरे ब्यात में देती है, तो यहाँ वेरिएशन ज्यादा है। मैं पूरा वेरिएशन आपको लिख देता हूं, 1500 से लेकर के 3200 लीटर तक ये गाय जो है वो दूध दे देती है। अब यहां पर राठी की बात करें, जिस राठी में साहिवाल के लक्षण ज्यादा होंगे वो राठी अच्छा दूध देगी, जिसमें थारपारकर के ज्यादा होंगे वो थोड़ा कम दूध देगी। ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आती है, जेनेटिकली ज़्यादा नहीं आती। अगर हम बात करें, अगली नस्ल हमारे पास आ रही है थारपारकर, तो थारपारकर का जो है वो एवरेज मिल्क 1600 से लेकर के 2200 लीटर रहता है। ये एवरेज मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एवरेज लिख रहा हूँ, हो सकता है आपके पास जो थारपारकर है वो और भी ज़्यादा दूध देती हो, लेकिन एवरेज इस नस्ल का जो दूध है 1600 से 2200 लीटर ये देती है। अब आते हैं हमारी इम्पोर्टेंट नस्ल गिर, जिसके कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे अभी चल रहे हैं, भाई गिर ओहो शानदार है शानदार, तो वो गिर शानदार है, क्या दूध भी शानदार है? अगर गिर का अगर हम दूध देखें औसत दूध, तो ये 1500 से लेकर के, यानी 1500 नॉर्मली और 2000 तक लीटर तक ये दूध पूरे ब्यात में देती है। अब देखिए आप कौन सी नस्ल है, पहचान कर लीजिए, फिर मैं आपको वो टिप दूंगा जिस टिप से आप अच्छे दूध वाली गाय अपने घर पे रख सकते हैं। और वो भी देखिए, हमारी जितनी भी देसी गायें हैं उनका A2 मिल्क होता है, A2 मिल्क भारतीय परिवेश में शानदार माना जाता है,
जो विदेशी नस्ल है उनका एवन मिल्क होता है जो नहीं माना जाता, इसको लेकर के मैंने एक एवन A2 पर वीडियो बनाया था, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को डिटेल चाहिए तो वो देख लेना, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी बात पे। अपनी बात यह है कि आप ये देखिए, इनकी दृष्टि से अगर हम देखें तो नंबर वन पर हमारी नस्ल आती है और वो आती है साहीवाल। जी हाँ, साहीवाल वो देसी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर और भी ज़्यादा दूध हो और हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी जुड़ी रहे। उसके लिए एक छोटा सा काम नियम से हट के आप कर सकते हैं और वो काम रहेगा कि साहीवाल का किसी अन्य नस्ल जो अच्छा दूध देने वाली है, चाहे वो विदेशी भी है, उससे क्रॉस आप इस्तेमाल कीजिए। वो मिल्क A2 भी होगा, वो मिल्क शानदार भी होगा। तो इस तरीके से आजकल जो चर्चा में चल रही है अच्छी दूध वाली गायें, वो साहीवाल में जर्सी का क्रॉस यूज किया जा रहा है, भाई गजब बहुत ही शानदार है। और कई जो है वो साहीवाल में HF का क्रॉस वो इतना सक्सेस नहीं है, साहीवाल में जर्सी का जो क्रॉस है ना भाई गजब का चल रहा है। तो अच्छे दूध वाली गाय कौन सी हुई, प्योर देसी में साहीवाल, और साहीवाल के साथ अगर जर्सी का क्रॉस करवा दिया जाए तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय साबित हो सकती है, वो भी देसी मिक्स में।